गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते और गवर्नमेंट कभी भी बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और अपनी आवाम की जानोमाल की हिफाजत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हम इस पे यकीन रखते हैं कि तमाम मामलात बातचीत के ज़रिए हल किए जाएं और जिसकी कई मिसालें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कायम भी की हैं। और इस हवाले से एक और मैं बहुत अहम यहाँ पर बात करना चाहूँगी मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कि आप ये देखें कि जो एक प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा आप सोशल मीडिया पर देखते हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। अभी सोशल मीडिया पे मैं ये भी नोट कर रही हूँ कि आप ये देखें कि हमारे जिस तरीके से फोर्सेस के जवानों ने शहादतें दे के अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, तो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कंडेम भी करना चाहिए और आवाज़ भी उठानी चाहिए मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। या जो नाम नेहाद ग्रुप हैं जो बलूचिस्तान की तरक्की पर बात करते हैं या बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करते हैं, मिसिंग पर्सन्स को हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला बनाया होता है। ऑफिशियली मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि मिसिंग पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लिस्ट इज़ 691, जिसमें से 303 जो हैं उन्हें रिकवर भी कर लिया गया है, ट्रेस्ड भी कर लिया गया है, और इसके साथ साथ जो बाकी 229 हैं वो अंडर द प्रोसेस ऑफ रिकवरी हैं। तो इस किस्म के फेक प्रोपेगेंडा पे भी मैं आवाम को भी ये पैगाम देना चाहूँगी कि बिल्कुल तवज्जो ना करें और जो ऑफिशियल आपके नंबर्स होते हैं वो हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आपके सामने होती हैं। जी मैडम, ये बता दें कि रिकॉर्डिंग के हवाले से, इधर मैडम आप ये लेफ्ट साइड पे, जी जी प्लीज, मैं के हवाले से फैमिली ने कैबिनेट की कमेटी बनाई थी, जो सियासी इख्तलाफात थे वो हल हो चुके हैं, उनकी मीटिंग हो चुकी है, और उसके बाद आप तो बिल्कुल सुकून डाट काम बता रहे हैं कि सारे मामला ठीक जा रहे हैं जब सियासी तौर पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। जी देखिए, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड के फर्स्ट डे से जब ये रिकॉर्डिंग का मामला शुरू हुआ तो हमारे रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने, चाहे वो सरबराहान असेंबली के अंदर थे या वो असेंबली के बाहर थे, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब अगर वो एहतजाज कर रहे हैं, वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं ये उनकी मर्ज़ी है, बट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो यही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 8 अरब आपके मुल्क में, आपके बलूचिस्तान में आ रहे हैं, जिसके नतीजे में इतनी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आप देखें दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तकरीबन 8,000 फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाएंगी, और फिर जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी 3,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके साथ साथ आपका एजुकेशन सेक्टर डिवेलप होगा, आपका जो क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर जो है उसमें काफ़ी हमें फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ साथ इट्स अ गेम चेंजर। और पिछले दिनों, मैं आपसे यहाँ ये भी जिक्र करूँगी कि पिछले दिनों तमाम कंट्रीज़, जितनी भी हमारी इंटरनेशनल फर्म्स, यूएन एजेंसीज़, आईएनजीओज़, हमारे डिफरेंट हाई कमिश्नर्स ऑफ द कंट्रीज़, मुख्तलिफ एम्बेसडर्स बलूचिस्तान का दौरा कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट डे से चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि जब ये रिकॉर्डिंग का मंसूबा साइन होगा इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर बलूचिस्तान, और ये मज़ीद कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट को इंगेज करेगा। तो जो रिकॉर्ड पर बेनिफिट्स हैं देखें, और ये मैं जो पूरी लिस्ट, इसका बैकग्राउंड है, इसका जो फिर बीच में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, और अब जाकर ये एग्रीमेंट कहाँ पर फाइनलाइज हुआ, ये मैं अपने साथ लाई हूँ, आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये ऑन रिकॉर्ड है और यही फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। बाकी देखें, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमेशा बातचीत के ज़रिए ही मसाइल को हल करने पर जोर दिया है, और अब भी हम यही कहते हैं कि आपके धरने, आपके एहतजाज, आपकी लड़ाइयाँ, इससे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उन्हें तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपकी सरजमीन को या आपके लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता।